अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइस्ता और आप देख रहे हो इनायस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बेंगलोरी सब्जी चाव चाव, जो बहुत टेस्टी होता है और बहुत आसानी से बन जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चाव चाव की सब्जी बनाने के लिए यहाँ मैंने दो चाव चाव लिए हैं। ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। इंडिया में कहाँ मिलते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर आप साउथ से हो तो ये आपको आसानी से बाजार में मिल जाएंगे। यहाँ मैंने आधा किलो चाव चाव लिया है। अब हम इसे पील करके लेंगे। इस तरीके से हमें इसे पील करके लेना है। इसे पील करने के बाद अब हम इसे कट करके लेंगे। इसमें देखिए ऐसे इस तरीके से बीज आती है, इसे निकाल देंगे। बीज निकालने के बाद इसे लंबे लंबे शेप में कट करके फिर बारीक बारीक काट के लेंगे इस तरीके से। इसे देखिए मैंने बारीक बारीक टुकड़ों में काट के लिया है इस तरीके से। इसे हम रखते हैं साइड में। यहाँ हम उसके लिए मसाला तैयार करके लेंगे। यहाँ मैंने गीला नारियल लिया है, इसे हम मिक्सी में दरदरा पीस के लेंगे। इस तरीके से हम काट के इसे मिक्सी के जार में दरदरा पीस के लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसे दरदरा पीस के लिया है। उसी में आधा कप मूंगफली डालेंगे। मूंगफली हमें छिलके के साथ ही लेना है। उसमें तीन हरी मिर्च डालेंगे और चार सूखी हुई छोटी लाल मिर्च डालेंगे। इसे हम मिक्सी में दरदरा पीस के लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें एकदम दरदरा पीस के लेना है। यहाँ मैंने एक बर्तन में तीन टेबलस्पून ऑयल लिया है, जिसे मैंने गरम करके लिया है। उसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे, 1/2 टीस्पून मंगरेल कलौंजी बोलते हैं जिसे, 1 टीस्पून जीरा, 4 से 5 जवा लहसुन का जिसे मैंने बारीक काट के लिया है, 7 से 8 कड़ी पत्ते, 1 टीस्पून हल्दी डाल के मिक्स करके फौरन हम ये सब्जी इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को मिक्स करने के बाद उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए 50% तक पका के लेंगे। 6 से 7 मिनट सब्जी को पकते हो गया है और देखिए सब्जी अभी अच्छे से गली नहीं है, थोड़ा पकी हुई है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, ये जो मैंने पीस के लिया था। अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अब हम गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। लो फ्लेम पे हम इसे 6 से 7 मिनट और पका के लेंगे। सब्जी को पकते हुए 6 से 7 मिनट हो गया है, तो मैंने बीच में इसे एक मरतबा चला के लिया था। देखिए सब्जी अच्छे से पक गई है और गल भी गई है अच्छे से। देखिए अब इसमें सागे वाली प्याज ऐड करेंगे, स्प्रिंग ऑनियन। अच्छे से मिक्स करके इसे सर्विंग डिश में निकाल के लेंगे। चाव चाव की सब्जी हमारी बनकर तैयार है और ये बहुत ज्यादा टेस्टी बनी हुई है। आप इसको सिंपली रोटी के साथ खाइए, ये रोटी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करिए। ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। 1 टाइम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।